मुश्किल से मिला मुझे आसरा, बड़ी मुश्किल से मिला मुझे आसरा। अब याद नहीं मैं क्या करूं, बस इतना ही था मेरा आसरा। बहुत बहुत शुक्रिया। पट्टी के लोगों का जीवन माने सर कैमरा लोग चले, जैसे हालात में जिंदगी गुजारते हैं, उनके लिए कोई एक लीडर की जरूरत रहती है, उनकी समस्या समझने के लिए और उनकी समस्या का हल निकालने के लिए एक लीडर की जरूरत रहती है। यही वही रोपड़ पट्टी में जो पार्ट था उसका है आपका किरदार रजम साहब के किरदार फिल्म में। जैसे सिटी साहब ने बताया, हर कैरेक्टर का अपना कलर है। झोपड़ पट्टी में आप कभी भी जाएंगे तो आपको बहुत सारे वेराइटी के कैरेक्टर देखने मिलेंगे। उसमें एक कैरेक्टर तो आपको ज़रूर देखने मिलेगा, बेवड़ा। वो उस एरिया का खास बेवड़ा होता है, जो उसको लोग जानते भी हैं, पहचानते भी हैं, उससे दूर भी रहते हैं, मतलब उसकी अपनी प्रॉब्लम भी समझते हैं। तो वो बेवड़ा कैरेक्टर करने का मुझे मौका मिला। तो मैं समझता हूँ कि आप लोग जब उस कैरेक्टर को देखेंगे, उसके साथ साथ जुड़े सारे कैरेक्टर को देखेंगे, तो आपको बहुत फन देखने मिलेगा। कॉमेडी के साथ साथ इमोशन भी देखने मिलेगा। ये ऐसा कैरेक्टर है, क्योंकि झोपड़ पट्टी में हम जाते हैं तो हम देखते हैं कि हर आदमी फनी के साथ साथ कहीं ना कहीं उसका एक हमको दर्द भी दिखाई देता है। तो वो एग्जैक्टली दिखाने की कोशिश की डायरेक्टर साहब ने और हमारे गुरु साहब ने। उसमें मुझे काम करने में बड़ा खुद भी एक नयापन मुझे अपने आज तक जितने मैंने कैरेक्टर किए। छतरी जिस तबके की कहानी है और उस तबके से थोड़ी बहुत वाकफियत थी मेरी, और जिस तरह का प्रयास शेट्टी साहब का था तो मुझे लगा कि इस तरह की फिल्म करनी चाहिए, क्योंकि ये फिल्म सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए नहीं है, फिल्म सिखाती भी है लोगों को, जो इस तरह के झोपड़ पट्टे में रह रहे हैं, जिनको जीने का सलीका नहीं आया है, जो किस तरह से अपनी ज़िंदगियां गुजार रहे हैं। तो ज़िंदगी में कुछ अच्छे तरीके से, बेहतर तरीके से जब सिखाने का कोई फिल्म आपको मौका दे रही है, तो इस तरह के फिल्म में काम करना मैंने लाजमी समझा और मैंने कर लिया। ये जो फिल्म है मराठी में भी डब होगी और ये पूरे हिंदुस्तान में रिलीज होगी या लिमिटेड जगह होगी, ये पता चल जाएगा थोड़े दिन में। वैसे हम पूरे हिंदुस्तान में रिलीज करने की सोच रहे हैं, क्योंकि रियलिस्टिक स्टोरी है, पूरे हिंदुस्तान को देखना चाहिए उसके लिए आपने क्या प्लानिंग की? देखिए, इस तरह की किसी भी कहानी को हिंदुस्तान नहीं पूरी दुनिया को देखना चाहिए, क्योंकि ये कहानी केवल किसी समस्या की नहीं। अब तक जो हम देख रहे हैं फीजर, आपका परसेप्शन ये बन रहा होगा कि एक समस्या की है, या स्लम के लोग बहुत प्रॉब्लम में है, हर जगह लोग प्रॉब्लम में है। ये फिल्म न किसी समस्या के बारे में है, न किसी समाधान के बारे में है, न किसी सिस्टम के अगेंस्ट है। ये फिल्म केवल एक बात कहती है, एक आदमी की डिटर्मिनेशन, एक आदमी जो सोचे आपके मन में, जैसे इसमें अम्मा का संवाद है, आप अपना कर्म करो बाकी छोड़ो। मराठी में भी डब होगी क्या? नहीं, अभी तक ऐसा कोई विचार नहीं है। ये फिल्म एंटायरली, जैसे शेट्टी साहब ने कहा कि हमारे इसमें ये कुछ नहीं बताना है कि शेट्टी साहब ने कितना बड़ा काम किया। शेट्टी साहब का मकसद इस फिल्म को बनाने का ये है कि आपके अंदर अगर इच्छा है ऐसा कुछ करने की तो आप भी कर सकते हैं। आज वो फिल्म बनाने की स्थिति में थे इसलिए फिल्म बनाई। जिस समय का, जिस टाइम पीरियड का ये फिल्म है, कहानी है, उस समय वो एक सामान्य से घर में रहते थे, इतने सक्षम नहीं थे कि ये जानते हों कि कल अगर मुसीबत आ जाए तो, जैसे फिल्म में बातें वापस पता चले इनके पास जेब में 50,000 रुपए एक साथ हो, तब भी ये सोचो कि मेरा कल क्या होगा, मैं ये जो कर रहा हूँ उसमें सक्षम होऊंगा कि नहीं होऊंगा, सफल होऊंगा कि नहीं होऊंगा, वो करते रहना, जो फैसला लिया उसके लिए अडिग रहना, ये मजबूती लोगों को मिले, ये सोच लोगों को मिले इसके बारे में। 8 बजे मैसेज आया कि वो भाषण देने वाले हैं, सबको मैसेज आया था, तो सामने टीवी, बाजू में बीवी और सोफे पे बैठ के मैं तोहफे का इंतजार कर रहा था दिवाली के। तो उसके पहले दिवाली में मैंने एक दिन सुतली बॉम्ब लगाया था और दूसरे झंडू बॉम्ब लगाया था, क्योंकि मेरा हाथ ही जल गया था। तो मुझे लगा कि मोदी जी मलम लगाएंगे, लेकिन उन्होंने तो लक्ष्मी बॉम्ब फोड़ दी कि 1,000 और 500 की नोट नहीं चलेगी। तो इस बात से मैं और सभी लोग मिक्स रिएक्शन है, 95% लोग तो खुश है, 5% लोग अभी भी विरोध कर रहे हैं। 5 का मतलब मेरा पंजामा समझ ना। चलो एक काम करो, 1% लोग नाराज है, 1% लोग नाराज है,
اور ایک کی اسپیلنگ ای کے ہے، اے کے نہیں، اے کے نہیں۔